मॉर्निंग गाइस, आज है अगला दिन, सुबह के बज चुके हैं 9:08। मौसम जो है वो गाइस इतना ज़्यादा ख़राब है, रात से लेके जो बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिस्तर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बट जो चीज़ें करनी है वो करनी ही है। तो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाया जाए। कल जहाँ यहाँ पर बहुत सारी धूप थी और मौसम था बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, और आज ले ली है मौसम ने टोटली करवट और गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ का मौसम दिखाते हैं आपको और फिर करते हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज क्या करने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। तो गाइस कल जहाँ पे ये पहाड़ बिल्कुल साफ धूप में चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं आज इन पहाड़ों ने ओढ़ ली है बादलों की चादर और बारिश जो है वो लगभग रात भर से लगी हुई है। और बात करें ठंड की, तो ठंड तो है बहुत ही ज़्यादा। नीतीश कर रहे हैं अपना काम, तो सबसे पहले अभी हम बना लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट खुद भी खाते हैं और नीतीश को भी खिलाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले कर ली है हमने पूजा, क्योंकि पहले करेंगे हम पूजा, बाकी काम दूजा। तो चलिए पहले मैं आपको नीतीश से मिलवाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नीतीश जो है अपना काम कर रहे हैं, तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको कि वो क्या कर रहे हैं। चुपके से हम लोग देखते हैं कि काम भी कर रहे हैं या कोई बहाना मार रहे हैं। तो चलो मेरे साथ। तो एमजी, ये लड़का तो सचमुच काम कर रहा है। क्या कर रहे हो आप? Hi guys. तो आज मौसम है बहुत खराब। मौसम तो मतलब कि काफ़ी झमाझम बारिश हो गई है, रात से लगी हुई थी और दूसरी साइड पर बर्फ गिर रही है, तो इस वजह से हम कमरे में हैं, साइड पर नहींगे, साइड का काम तो आज बंद है, तो इस सोचा कि थोड़ा अपडेट कर ले अपनी रिपोर्ट्स को, वो कर रहे हैं। चाहे मौसम हो बहुत ज़्यादा ख़राब चाहे हो अच्छा, काम तो करना ही है। बेडिंग आज हम उठा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इन्होंने तो काम करना ही है, चाहे घर से बाहर जाएँ तब भी काम, घर अच्छी बात है, काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनको हम काम करने देते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, तो मैंने पहले अपनी सारी तैयारी करके रख ली थी, तो अब फटाफट से बनाते हैं आलू के परांठे। तो गाइस मैंने कर ली है तैयारी, फटाफट से कर ली है आलू बॉयल, पर आलू अभी है बहुत ज़्यादा गर्म, मैश करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो पहले इन्हें ठंडा होने देते हैं, तब तक अपना प्याज धनिया वगैरह काट। गाइस तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन। मैंने जो है वो परांठा बनाने के लिए प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और हरा धनिया, और थोड़ी सी मेरे पास मेथी की पत्तियां पड़ी थी वो मैंने काट ली हैं, और यहाँ पे हो रहे हैं मेरे आलू ठंडे। और अगर फाइनली मैश करने के बाद मेरी आलू वाली स्टफिंग जो है वो कुछ ऐसे दिख रही है, तो चलिए अब फटाफट से आटे की लोई लेते हैं और परांठा बनाना करते हैं स्टार्ट। तो गाइस परांठे बन रहे हैं मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे परांठे अच्छे बनते हैं और प्रॉपरली स्टफ्ड हो जाते हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा डांस कर लूँ। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। फाइनली नीतीश जी अपने फोन अटेंड करके आ चुके हैं, रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने बनाया है आलू का पराठा। कैसा लगा? बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो खाओ, मैं तो यहाँ पे कैमरा लेके आपको रिकॉर्ड करने के लिए ही बैठी हूँ, तो चलिए देखते हैं इनको कैसा लगता है। सच में बहुत टेस्टी है। नीतीश की ये खासियत है, खाना चाहे जैसा भी बनाओ, ये कभी ऐसा नहीं बोलते कि खाना बुरा बना है,
चुपचाप खा लेते हैं, तो जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूंगी मुझे विश्वास नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से मैं भी खाना खाती हूँ। चलिए गाइस मैं खुद खा, नॉट बैड। नितिश हो चुके हैं खाने में मशरूम, फटाफट से अपना ब्रंच एंजॉय कर। तो गाइस ये है मेरी सबसे प्यारी लाडो। तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अपनी ओशी से बात करूं, क्योंकि इससे बात किए बगैर मेरा दिन लगता ही नहीं है। तुझे देखे बिना चैन आता नहीं है। मम्मी हमारी YouTube फैमिली आपको बहुत मिस कर रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं YouTube फैमिली को, और आप अपनी न्यू रेसिपीज जो हैं वो कब शेयर करेंगे उनके साथ? अभी बाद में करूंगी ना, थोड़े दिन बाद। ओके, तो आप हमारी YouTube फैमिली को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत ज्यादा। खाना भी खा लिया, अपनों से बात भी होगी जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो देखते हैं कोई मूवी देखते हैं, अगर कुछ अच्छी लगी मूवी तो वो देखते हैं, अदरवाइज फिर एक ही ऑप्शन है सोने का, तो सो जाएंगे। आप क्या बोलते हो क्या किया जाए? मूवी देखी जाए। तो चलो गाइस मूवी देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस शाम हो चुकी है और नितिश जो है वो अभी अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शाम के डिनर की तैयारी के लिए राजमा को बॉयल करने रख दिया जाए, और साथ में थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो गया तो थोड़ा सा स्नैक्स टाइम कुछ मैगी वगैरह कुछ खा लेते हैं, फिर देखते हैं कि बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले राजमा को बॉयल करने के लिए रखते हैं, शाम के डिनर की तैयारी करते हैं, साथ में थोड़ा सा मैगी टाइप्स खा लेते हैं। तो गाइस शाम का समय है, और अगर बात करें मौसम की तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। शाम को 4-5 बजे ऐसा लग रहा है कि टोटली अंधेरा हो चुका है, और बारिश जो है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। तो फटाफट से अपनी गर्मा गर्म मैगी इंजॉय करते हैं इस मौसम में, और कर भी कह सकते हैं तो मैगी इंजॉय करते हैं और शाम के डिनर की तैयारी करते हैं इससे पहले कि लाइट चली जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो गाइस मैंने सुबह ही ये राजमा, ये है चंबा के यहाँ के लोकल राजमा, ये सोक करने रख दिए थे, तो अभी इसे फटाफट से बॉईल करते हैं, और फिर बॉईल करने के बाद राजमा की दाल प्रिपेयर करते हैं। मेरी तो फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं किस किस की राजमा की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो गाइस जितनी देर में मेरी राजमा की दाल जो वो बॉयल होगी उतनी देर में फटाफट से बना दूँगी पहाड़ी स्टाइल मैगी। और वाली मैगी नहीं खाई तो क्या खाई, वो बनाते हैं फटाफट से, और तब तक तो थोड़ा भूख भी शांत हो जाएगी, और तब तक हमारे राजमा भी बनके तैयार हो जाएंगे, और राजमा को लगाएंगे दमदार तड़का और करेंगे अपना मज़ेदार डिनर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर एंड इंजीनियर नेचर लवर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकन। मैगी और मैगी को ऐसे से करने का मज़ा किसको आता है जरूर कमेंट में करके बताना। और इसको लिखा तो होता है 2 मिनट में मैगी, बट ये आराम से 5 से 10 मिनट ले लेती है बनने के लिए। तो मैं उन लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इसमें 2 मिनट में मैगी तैयार कौन बोलता है? तो मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्टाइल से मैगी। इसके लिए बस हमें चाहिए मैगी, पानी और हल्का सा प्याज और टमाटर। बिना तड़के के कैसे बनती है पहाड़ी मैगी मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से बनाते हैं। इस पैन में ले लिया है मैंने पानी, आप जब देख सकते हैं पानी लगा है उबलने, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मैगी। मैगी डालने के बाद इसे थोड़ा वेट करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद जिन लोगों को ज़्यादा कष्ट करने की आदत नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर है, तो मैं ये एज इट इज ऐसे उठा के थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी प्याज ऐसे। कैप्सिकम हो तो आप लोग कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने डाल दिया ये टमाटर।
मैगी वो हमारी पहाड़ों वाली मैगी जो एकदम बनके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे एक ही पैकेट बनाया है क्योंकि शाम को डिनर भी करना है। जस्ट अपनी थोड़ी सी भूख को शांत करने के लिए फटाफट से निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूं इसका लुक कैसे आया है। हियर इज माय फाइनल पहाड़ी मैगी लुक। बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ना तड़के का झंझट ना कुछ, और टेस्ट में है बिल्कुल ऑसम। तो गाइज नीतीश हो गए हैं अपना काम करके फ्री और शाम का एंजॉय कर रहे हैं हम स्नैक। तो नीतीश बताएंगे मेरी पहाड़ों वाली मैगी कैसी है। पहाड़ों वाली मैगी तो बहुत जबरदस्त है क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को रेसिपी तो शेयर कर ही दी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाएं और घर बैठे इंजॉय करें अपनी पहाड़ों वाली मैगी। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं और रात की डिनर की तैयारी करेंगे। आप लोग नाव में खाता हूँ इससे पहले ये पूरा खत्म कर जाए। ये आदमी जितना भी खाए भूखा ही रहता है। सॉरी सॉरी सॉरी, आप इंजॉय करो, मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ और मिलते हैं आपको डिनर टाइम पे। बाय बाय। इस बात है ऐसी, मैगी वगैरह खाने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है राजू मैंने रखे थे चढ़ाने के लिए, तो वो फुली बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे रात का डिनर। आप लोग भी सोचते होंगे खाते हैं पीते हैं तो क्या यार सभी लोग यही करते हैं ना। और पापी पेट का तो सवाल है, अगर ये पेट ना हो तो बंदा कमाए क्या और खाए क्या। तो चलिए फटाफट से अपनी शाम की डिनर की रेसिपी तैयार करते हैं। मेरे फेवरेट और भी बहुत से लोगों को होंगे राजमा चावल। तो गाइस तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा और धनिया। इसको चटकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक और थोड़े से गरम मसाले मैंने भून के इसमें डाल लिए हैं उन्हें, और अच्छे से इन्हें भूनने तक ऐसे ऐसे मिक्स करो। तो गाइस लहसुन ने बदल लिया है अपना कलर, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हम हल्का भूरा होने तक पकाएंगे। तो गाइस जैसे ही मेरा प्याज पक गया उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपने लाल लाल टमाटर। प्याज हमारे हो चुके हैं पककर तैयार, अब हम इसमें डालने वाले हैं लाल लाल टमाटर। तो जब तक होते हैं हमारे टमाटर गलकर तैयार, मतलब कि तड़का वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाता है, तब तक हम कर लेते हैं एक और दाल। तो गाइज मेरे शानदार राजमा बनकर हो चुके हैं तैयार, और इधर बन रहे हैं मेरे जीरा राइस। फटाफट से खाना बन जाए और मैं फटाफट से खा लूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों आजकल मुझे भूख ही बहुत लग रही है। तो फटाफट से खाना बनाते हैं और खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आखिर हम लोग हो चुके हैं फ्री और आज यम्मी, मैंने तो भूख के मारे ज़्यादा खा लिए, भूख के मारे नहीं टेस्ट के मारे ज़्यादा खा लिए। और नीतीश से भी पूछते हैं कैसा बना है, कैसा बना था खाना। खाना बना था बहुत ही टेस्टी, खाना खा के आ गया बिल्कुल ही मज़ा। राजमा भी पहाड़ी थे और पहाड़ में इस टाइम टेम्परेचर भी, मौसम भी बदला हुआ है और टेम्परेचर जा रहा है माइनस में और ठंड बढ़ गई है, पर राजमा इतने टेस्टी थे कि मजा आ गया खा के। तो गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और बाय बाय, गुड नाइट।